हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। यह कार्यक्रम समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम समाज के अंदर इस विश्वास और भाव को पैदा करने वाला कार्यक्रम है कि आज भी समाज में मानवता जीवित है, आज भी समाज में मानवीय भावनाएं जीवित हैं। और हम जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों को हम अपना परिजन समझते हैं, भाई बंधु समझते हैं। यह कार्यक्रम उस संदेश को भी मजबूती देता है। चूंकि रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिस कार्य से हम किसी की जीवन बचाते हैं, हम किसी को नया जीवन देते हैं, हम कोई मृत्यु के नजदीक पहुंचे हुए व्यक्ति को मृत्यु के काल से बाहर निकाल के उसके परिवार को खुशियां देते हैं। यह बहुत बड़ा कार्य है और बहुत ही नेक कार्य है। और ये हम सब जो लोग आज सैकड़ों की संख्या में यहां इकट्ठे हुए हैं, ये सब लोग समाज को प्रेरित करने वाले लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को और खास करके इनके गुप्ता जी को, जो लोग पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के मोटिवेशनल कार्यक्रम करके लोगों के अंदर इस भावनाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी भावनाएं से ही समाज इकट्ठा रहती है, ऐसी भावनाओं से समाज मजबूत होता है, ऐसी भावनाओं से ही समाज एक साथ चलने का संकल्प लेता है, ऐसी भावनाएं राज्य को विकास की ओर ले जाती हैं और ऐसी भावनाएं मानव जीवन को बचाने का काम करती है। यह कोई सामान्य बात नहीं होता। जब मैं रक्त देने जाता हूं, मुझे मालूम नहीं होता मेरा रक्त किसके पास जाना है, मुझे मालूम नहीं होता कि मेरे घर परिवार के किसी को यह रक्त जाएगा या किसी समाज के दूसरे व्यक्ति को जाएगा। लेकिन इस बात का विश्वास रहता है कि मेरे शरीर से निकला हुआ रक्त जिसके भी शरीर में जाएगा उसके जीवन को बचाने का काम करेगा। और तभी उस भाव को लेके हम जाके ब्लड डोनेशन करते हैं। ब्लड डोनेशन करना सामान्य काम नहीं होता है। मैंने भी अपने जीवन में कई दर्जन बार रक्तदान किया है और जब से मैं डायबिटिक हो गया और डॉक्टरों ने मना कर दिया, मेरे लिए तो वो बिल्कुल संकट सी बात हो गई और मैं नहीं कर पाता। लेकिन मैं भी जब रक्तदान करता था तो जब प्रारंभ किया था छात्र जीवन से, तो उस वक्त परिवार में कैसे समझाना पड़ता है किसी को शुरुआती दो चार बार देने में, वो मुझे भी मालूम है। हाँ ठीक है, दो चार बार देने के बाद परिवार वाला भी समझ जाता है, मां बाप भी समझ जाते हैं, घर वाले भी समझ जाते हैं कि इससे नुकसान नहीं फायदा है और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन यह विश्वास पैदा करने में हर परिवार में जो बच्चा, जो नौजवान, जो लोग रक्तदान करते हैं, उनको साल दो साल तक परिवार के लोगों को बहुत विश्वास में लेना होता है। और यह कार्य किसके लिए करते हैं? आज जिन लोगों ने रक्तदान किया, जिनको हम यहां सम्मानित कर रहे हैं, इन लोगों ने किसके लिए रक्तदान किया? इन लोगों ने समाज के लिए रक्तदान किया, एक संदेश के लिए रक्तदान किया। केवल भाषण में खड़ा होकर हम बोल रहे रक्तदान, महादान, रक्तदान, जीवन दान, भाषण का विषय नहीं। जब स्वयं से बढ़ के व्यक्ति आगे करता है तब समाज उसको स्वीकार भी करता है और समाज फिर उस पथ पे आगे भी बढ़ता है। मुझे बहुत खुशी हुई, कल मुझे मेरे राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक